अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फिज़ा अब्दुल मनान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। गौर पब्लिशर में आप सबको खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग, और हमारी किताब का नाम है गौहर ग्रेस उर्दू प्ले ग्रुप 3+। अब हम पढ़ते हैं अपने सबक की तरफ, जो कि है सफ़ा नंबर 24 पे। ये है जीम के ख़ानदान का एक और हर्फ, जो कि है खे। लेकिन उससे पहले कुछ हदायत हैं जो उसाज़ा के लिए हैं, तो चलें वो देखते हैं क्या हदायत हैं। जी, सबसे पहले हमारे पास मौजूद हैं बच्चों को उर्दू हरूफ ताजी के हर्फ खे और इससे शुरू होने वाले अल्फाज तस्वीरों की मदद से बोल कर सुनाएं। बच्चों को बताएं कि खे की आवाज़ क्या है। खे की आवाज़ है खे ख, खे ख, ख नहीं बोलेंगे, खे ख। बच्चों को हर्फ खे उंगली से हवा में लिख के दिखाएं। बच्चों को हर्फ खे उंगली से हवा में आप कैसे लिख के दिखाएंगे कि बच्चों को अपनी कमर की तरफ से खे को हवा में दो उंगलियों की मदद से बताएंगे, खे ख, खे ख, और बताएंगे कि खे के सर के ऊपर एक नुक्ता होता है। बच्चों को बताएं कि खे का तलफ्फुज़ खे है। बच्चों को हे और खे का फ़र्क वाज़ह करें। बच्चों को बताएं जो हे है उसके सर पे नुक्ता नहीं होता और जो खे है उसके सर पे एक नुक्ता होता है। बच्चों को बताएं कि खाना काबा को अल्लाह ताला का घर कहते हैं। यहाँ हर साल मुसलमान हज अदा करने आते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। जी, यहाँ पे है हमारे पास मौजूद खे ख, और खे ख में हमारे पास मौजूद हैं खे के कुछ दोस्त। तो चलिए देखते हैं वो कौन से दोस्त हैं। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है खे ख खैमा। खे ख खैमा, क्या बच्चों आपको पता है कि खैमा कहाँ होता है? आपने देखा होगा कि अक्सर जब हम कहीं पे बाहर जाते हैं घूमने के लिए, जहाँ पे बहुत सारे पहाड़ होते हैं और वहाँ पे एक चश्मा भी होता है, दरिया भी होते हैं, तो वहाँ पे हम इस खैमे के ज़रिए उसमें हम रह सकते हैं रात को इसके अंदर, और ताकि हम ठंड से भी बच सकें, ताकि बारिश हो जाए तो बारिश में भी हम इस खैमे का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक और दोस्त मौजूद है जो खे का है, वो है खाना काबा। और खाना काबा किसका घर है? अल्लाह ताला का घर है। अल्लाह ताला का घर है खाना काबा, और यहाँ पे हम क्या करने के लिए जाते हैं? उम्रा करने के लिए जाते हैं, हज करने के लिए जाते हैं। और आपको पता है कि खाना काबा में भी खैमा का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम हज पे जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सारे दुनिया के कोनों में से यहाँ पे आते हैं अल्लाह ताला के घर में और हज अदा करते हैं, और वहाँ पे उनके रहने के लिए खैमा बनाए जाते हैं, और वहाँ पे भी हम खैमा का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे एक दोस्त है हमारे पास खे का, वो है खे ख खत। खत, आपको पता है जब हमारे पास पहले टेलीफोन नहीं होते थे या फिर मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे, तो हम किसका इस्तेमाल करते थे? ख़त का इस्तेमाल करते थे। जब आपकी मामा को नानों से बात करनी होती थी, या अपनी भाई से बात करनी होती थी, या अपनी बहन से बात करनी होती, तो वो किसका इस्तेमाल करते थे? ख़त का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर हमारे पास कितने दोस्त मौजूद हैं? खे के 3 दोस्त मौजूद हैं, खे ख खैमा, खे ख खाना काबा। खाना काबा क्या है? अल्लाह ताला का घर है, और अल्लाह ताला के घर का रंग क्या है? काला रंग है। कौन सा रंग है? काला। और यहाँ पे हमारे पास मौजूद है खे ख खत, खे ख खत। उम्मीद करती हूँ कि आपको सफ़ा नंबर 24 में मौजूद खे और उसके दोस्तों की समझ में आ गई होगी। किसी बड़े की रहनुमाई में इसकी दोहराई करते रहें ताकि रवानी बनी रहे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।